हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख के और टॉपिक देख के समझ गए हैं कि आज हम तीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपने 8th चैप्टर में। पहला है नेम स्पेस, दूसरा है रीलोड और तीसरी चीज है पाइथन के कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स। अभी तक हमने मॉडल्स देखे, ऐसे कई सारे ऐसे देखिए, आपने ये मॉडल बनाया, ठीक है। और तो ये जो मॉड्यूल है वो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, और आपने कुछ मॉडल्स देखे थे, जैसे हमने इंपोर्ट किए थे मैथ नाम का मॉड्यूल, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल था। तो इस तरीके से प्री डिफाइंड कई सारे मॉडल्स हैं जो कि पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, और ये जो मॉड्यूल्स हैं वो ये मान लीजिए लगभग आपके 200 से भी अधिक हैं, कई सारे मॉड्यूल हैं। तो उन 200 मॉड्यूल्स को हम पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले नेम स्पेस से। नेम स्पेस क्या होता है? मॉड्यूल का नेम कहलाता है आपका नेम स्पेस। यहाँ पर देखिए, नेम स्पेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपने TY के नाम से आपने TY नाम की फाइल को इम्पोर्ट किया। तो बेसिकली जो TY है यही नेम स्पेस है। अब ये नेम स्पेस कैसे है, आइए हम थोड़ा सा उसको अच्छे से समझते हैं कि नेम स्पेस इसको हम क्यों बोल रहे हैं और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देखिए, नेम स्पेस आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे स्पेस जो किसी नाम से रिजर्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम मैंने क्या बनाया, एक बड़ा सा प्लॉट बनाया है, यानी एक बड़ा सा एरिया बनाया है, और उसको मान लीजिए कि आपकी क्या है, ये एक कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर दो मकान हैं, जिनमें से पहले मकान का नाम प्लॉट नंबर 1 है और दूसरे का नाम प्लॉट नंबर 2 है। प्लॉट नंबर 1 में मिस्टर ABC रहते हैं और प्लॉट नंबर 2 में मान लीजिए कोई मिस्टर XYZ रहते हैं। अब इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक नेम स्पेस को प्रॉपर तरीके से बता सकूं कि नाम से स्पेस किस तरीके से घिरती है। वैसे तो मेरी इतनी हिंट से ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि हमको इसी से रिलेटेड इसके आगे भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कॉलोनी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई आपसे मिलने आता है या आपके पास कोई लेटर आता है तो श्री राम कॉलोनी, सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया है कोई कॉलोनी उसका नाम श्री राम है, तो वो श्रीराम कॉलोनी में आएगा। या आपका लेटर आपके पास आए तो आपके जो घर की पहचान है वो आपके शहर के बाद कहाँ से होती है, आपकी कॉलोनी से होती है। तो जो भी है, श्रीराम कॉलोनी नाम का एक पूरा वाइड स्पेस क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। यानी एक पूरी कॉलोनी श्रीराम कॉलोनी के नाम से घिरी हुई है, वो पूरी कॉलोनी श्रीराम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है, जो रिजर्व है, जो घिरा हुआ है कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी का ये पूरा एरिया जो कि श्री राम के नाम से रिजर्व है, यही चीज कहला रही नेम स्पेस। यानी एक पूरी जगह जो किसी नाम से पहचानी जाती है, वो चीज कहलाती है आपकी नेम स्पेस। तो ये पूरी श्री राम कॉलोनी एक पूरा एरिया है जो कि श्री राम से पहचाना जाता है, और यही श्री राम क्या है, नेम स्पेस है। अब हम नेम स्पेस को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। तो अगर आप श्रीराम कॉलोनी में, श्रीराम कॉलोनी खुद एक एड्रेस है, फिर उसके अंदर कई सारे एड्रेस हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया प्लॉट नंबर 1, तो प्लॉट नंबर 1 एक एरिया है, एक स्पेसिफिक जगह है जो कि प्लॉट नंबर 1 के नाम से जानी जा रही है। अब उस प्लॉट नंबर 1 के अंदर कोई मिस्टर ABC रहते हैं, तो वो जो घर है वो बेसिकली देखा जाए तो दो नाम से जाना जा रहा है। अगर मान लीजिए श्रीराम कॉलोनी में कोई आया, कोई पूछता है ABC का घर कहाँ, मिस्टर ABC कहाँ रहते हैं, तो बताया जाएगा कि उनका निवास प्लॉट नंबर 1 में है, ठीक है। या अगर कोई पूछता है कि प्लॉट नंबर 1 में कौन रहता है, तो बताया जा सकता है कि वहां पे मिस्टर ABC का निवास स्थान है वो। तो दोनों चीजों से पहचान हो रही है, प्लॉट नंबर 1 से भी पहचान हो रही है और मिस्टर ABC के नाम से भी उस पर्टिकुलर स्पेस की पहचान हो रही है, उस जगह की पहचान हो रही है, ठीक है। यही चीज कहलाती है हमारी नेम स्पेस, यानी नाम के द्वारा आपकी पहचान बननी। अब जो पहचान बन रही है नाम के द्वारा, वो दोनों चीजों से बन रही है, प्लॉट नंबर 1 से भी बन रही है और मिस्टर ABC के नाम से भी बन रही है उससे उतने पर्टिकुलर एरिया की पहचान। इसको हम अपने पाइथन कंपाइलर में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा a इक्वल 10।
आप समझ गए हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ना कहीं रिजर्व हुआ है, ठीक है, जिसका एड्रेस हमने यहाँ पे 2000 बताया है। एड्रेस इतना छोटा नहीं होता, एड्रेस सिस्टम के अंदर काफी बड़ा होता है, हमने इतना बड़ा एड्रेस नहीं लिखा है। आप सिस्टम में चेक कर सकते हैं, काफी बड़े बड़े एड्रेसेस आते हैं, काफी बड़ी बड़ी उनकी काफी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 2000 की सिस्टम के अंदर कोई मेमोरी लोकेशन होगा, तो जैसे ही हमने 1:10 लिखा तो आपके पाइथन कंपाइलर ने ऑटोमेटिक उस 2000 पर्टिकुलर 2000 स्पेस पे जाकर ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया और उसके अंदर 10 को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस यही कि 2000 की जो स्पेस थी उसको ए नाम मिल गया। अब यहाँ पे नेम स्पेस को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि ए मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है तो वो भी 2000 है, और अगर कोई पूछता है कि 10 का एड्रेस क्या है तो 10 का एड्रेस भी यहाँ पर 2000 ही बताया जाएगा। तो यही चीज क्या है, बेसिकली नेम स्पेस है। अब हम इसको मॉड्यूल में कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसे ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोग्राम, ऐसा आपने एक एड नाम का छोटा सा मॉड्यूल बनाया है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाया है। तो बेसिकली जब आप एड नाम का कोई मॉड्यूल बनाते हो तो आप सभी जानते हो ये तो तब तक काम नहीं करता ना जब तक आप उसे कॉल नहीं करते, लेकिन अगर आप इसको प्रोग्राम को रन करते हो तो कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ना कहीं एड नाम के फंक्शन के लिए स्पेस बन जाएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। फिर एड नाम के फंक्शन के जो स्पेस बन जाएगी, स्पेस बनने के बाद क्या होगा, आपने जितना भी डाटा ये लिखा हुआ है ना, ये जितना भी डाटा आपने एड के अंदर लिखा हुआ है ये सारा का सारा डाटा वर्क करता है आपके पर्टिकुलर इस मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आगे चल के क्या होता है, आप सपोज एक न्यू फाइल लेते हो और इम्पोर्ट करते हो इसको, इम्पोर्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सेम इसी तरीके से है जैसे आपने अभी दो चीजें देखी डायग्राम में, एक कॉलोनी नेम स्पेस में, एक तो आपको कॉलोनी बताई और एक आपको उस पर्टिकुलर उस कॉलोनी के अंदर घर का एड्रेस बताया। तो व्यक्ति सबसे पहले कहाँ आएगा, आपकी कॉलोनी में आएगा, है ना। तो अगर व्यक्ति को प्लॉट नंबर 1 में जाना है तो वो कहाँ आएगा, सबसे पहले कॉलोनी में आएगा। तो इसी प्रकार ये जो आपको दिख रहा है एड प्रोग्राम, है ना, जिसके ये मेमोरी लोकेशन बन चुकी है, अगर आपको इसको कॉल करना है तो सबसे पहले आपको इसकी फाइल को कॉल करना होगा। तो इसकी फाइल मैंने यहाँ पे TY के नाम से बना रखी है, यहाँ पे देख लीजिए दिख रही है आपको, यहाँ पे TY नाम दे दिया, आप इसको प्रॉपर नेम दे दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि TY कॉलोनी में से, यानी TY की फाइल में से आप क्या करो, एड नाम के फंक्शन को कॉल करो। मैंने कहा कि तुम, यानी TY फाइल के अंदर से एड फंक्शन को कॉल करो। तो बेसिकली ये चीज क्या करेगी, जब आपने कॉल का बोला तो ये जो दूसरी फाइल है, तो देखो आपको डायग्राम के द्वारा दिख रही है, मैंने इंपोर्ट करते हुए बताई है, पुरानी प्रीवियस फाइल में से ऐड का पूरा के पूरा डाटा उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यानी पूरा के पूरा डाटा यहाँ पर कॉल कर लिया जाएगा। अब ये जो कॉलिंग है बेसिकली किसके द्वारा संभव हुई, ये कॉलिंग संभव हुई आपकी नेम स्पेस के द्वारा, यानी मॉडल नेम के द्वारा। तो मॉडल का जो नाम होता है यही आपका नेम स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो मॉडल का नेम कहलाता है आपका नेम स्पेस। यहाँ पर देखिए नेम स्पेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपने TY के नाम से, आपने TY नाम की फाइल को इम्पोर्ट किया, तो बेसिकली जो TY है यही नेम स्पेस है। ओके गाइस, तो आई होप आपको नेम स्पेस समझ में आया होगा, जिसको हमने एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लिया। अब आप कहेंगे कि मैडम ये तो छोटी सी बात है, आपने इस तरीके से क्यों बताई, लेकिन थ्योरी पूछी जाती है और थ्योरी में आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखना होता है, तो आप इस तरीके से थ्योरी बताकर उसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल देते हुए समझाएंगे सारी बातें, तो आपके थ्योरी के नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी में आप सिर्फ एक लाइन इस तरीके से लिखकर नहीं आएंगे, है ना। तो थ्योरी में अगर नेम स्पेस पूछा जाता है तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा विवरण अच्छे से उसको बताना है। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रीलोड की। रीलोड क्या होता है, देखिए बेसिकली रीलोड का कहाँ यूज होता है, रीलोड हम यूज करते हैं कि अपने प्रोग्राम को बार बार दूसरी फाइल में लोड करने के लिए। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो बेसिकली ये हो क्या रहा है,
यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो टी वाई का, यदि आपने इम्पोर्ट टी वाई लिखा है तो ये पूरा के पूरा डाटा यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी फाइल पे आके इम्पोर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से लोडिंग ही हुई है, एक चीज क्या हुई है, लोड हुई है। अब आपने जब लोड किया तो आपने इसे फर्स्ट टाइम क्या किया, एक फंक्शन को कॉल कर लिया, एड नाम का फंक्शन। अब इसको आप रन कराते हैं तो खैर आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये कह रहा है सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करिए, तो प्रोग्राम को सेव करना होगा तो मैं इसका RE12 नाम दे देती हूँ। रीलोड हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो RE12 दे दिया, आपको जो भी पसंद हो दे देना, और फिर .py का एक्सटेंशन जरूर लगाना है। और सेव करके मैं रन करने जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर एरर मिली है। एरर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बता रहा है C=A+V, फिर बता रहा है नेम A इज नॉट डिफाइंड, यानी A के अंदर क्या वैल्यू देनी है ये तो डिफाइन ही नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पर डाटा कहाँ कॉल हुआ है, ये पूरा डाटा इंपोर्ट कहाँ हुआ है, यहाँ पर। फिर यहाँ पे इसने एड फंक्शन को कॉल किया, तो एड फंक्शन पर डाटा जो आपका पाइथन कंपाइलर है यहाँ पर आया, और एड फंक्शन में आने के बाद उसने बोला A और B की वैल्यू को तुम जोड़ दो, लेकिन A और B के अंदर वैल्यू ही नहीं है तो वो जोड़ेगा किसको। फाइन, तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे A=10 एंड B=5, आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं A एंड B में। ये गलती आपको करके बताइए ताकि आप परीक्षा में इस तरीके की कोई गलती ना करें। आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको दोनों वैल्यू ऐड करनी आवश्यक है, ठीक है। हम यहाँ पे रीलोडिंग की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रीलोड की आवश्यकता हमको क्यों है, ठीक है। हम रीलोड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रीलोड का हम यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हमने अपने फंक्शन को कॉल किया तो ये डेटा जो है वो हमारे प्रोग्राम में क्या हो गया, लोड हो गया। जैसे मैंने इम्पोर्ट टी वाई जैसे ही लिखा, वैसे ही ये पूरा के पूरा प्रोग्राम, ये पूरा के पूरा मॉड्यूल मेरे इस वाले प्रोग्राम पे, इस वाली फाइल पे आके लोड हो गया। और लोड हो जाने के बाद मैंने जैसे ही फंक्शन कॉल किया तो मेरा डाटा आ चुका है 10+5=15, ओके, जो कि हमने यहाँ पे रन करके देख, क्या दिक्कत है, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, तो मैंने ये जो डाटा ऐड किया इसको मुझे सेव करना जरूरी है, पहले मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे रन करने जा रही हूँ तो आप सभी जानते हो इसका आंसर 15 आ जाएगा, जो कि आ गया है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाटा चेंज किया, यहाँ पे मैंने C, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ये डाटा चेंज किया। अब मैंने डाटा जब चेंज किया तो कई सारे कंपाइलर में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब फाइल एक बार इंपोर्ट हो चुकी है तो दूसरी बार ये फाइल रीलोड नहीं होती है। अब मेरा कंपाइलर तो एडवांस है, इसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कई सारे कंपाइलर्स में प्रॉब्लम आती है कि डाटा रीलोड नहीं होता है। अब मेरा जो कंपाइलर है इसमें डाटा बिना रीलोड के भी लोड हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको सब कुछ ढंग से समझाती हूँ, पहले हम देख लेते हैं हमारा डाटा जो मैंने चेंज किया है वो लोड हुआ है या नहीं हुआ। देखिए वो डाटा लोड हो चुका है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंपाइलर में बात करते हैं जो पुराना है, जिसमें ऑटोमेटिक रीलोड नहीं होता, पर अगर आप किसी पुराने कंपाइलर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि डाटा ऑटोमेटिक रीलोड नहीं होता। जैसे मैंने अभी चेंजेस किए ना, मैंने जितना डाटा यहाँ तक लिखा था 15 तक, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने चेंजेस किए जहाँ पे हेलो लिखा है, ठीक है, तो हेलो कई सारे पुराने कंपाइलर ऐसे होंगे कि मैंने जो सेकंड टाइम चेंज किया है वो डाटा यहाँ पे आके लोड नहीं होगा। फाइन, अब मैं ये चीज आपको करके नहीं बता सकती है कि लोड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा कंपाइलर उसको सपोर्ट कर रहा है, कई सारी चीजें इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हैं। यदि हम मेन फाइल को एक बार कॉल करने के बाद आउटपुट ले लेते हैं और फिर हम दोबारा से इस फाइल में कुछ एडिटिंग करते हैं, ठीक है, सपोज मैंने हेलो लिखा, एडिटिंग की और फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो कई सारी फाइल ऐसी होंगी जो कि 15 के बाद हेलो को सपोर्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे इस तरीके के कंपाइलर में रीलोड का यूज करना होता है, ठीक है। आई होप आपको रीलोड समझ में आ गया होगा कि रीलोड फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं।
ठीक है, रीलोड फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, कई सारे पाइथन कंपाइलर क्या करते हैं, फाइल को लोड करते हैं एक बार, फिर उसके बाद अगर हम सेकेंड टाइम में कोई चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस को पाइथन कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते हैं इम्पोर्ट की हुई फाइल में, यानी इस वाली फाइल में, ठीक है, तो उस जगह हम रीलोड का यूज करते हैं। लेकिन अगर मेरी फाइल सपोर्ट कर रही है तो मुझे रीलोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रीलोड लेकिन हमें रीलोडिंग पढ़ना है, तो रीलोडिंग अगर किसी कंपाइलर में आपको करनी भी पड़ जाए तो हम यहाँ पे रीलोड करने का तरीका पढ़ लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी फाइल को रीलोड कर सकते हैं। रीलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा इम्पोर्ट LIB नाम के मॉडल को। जैसे आपने और भी मॉडल इम्पोर्ट किए थे ना, जैसे आपको मैथ में वर्क करना था तो आपने मैथ नाम के मॉडल को इम्पोर्ट किया था, इसी प्रकार आपको यहाँ पे इम्पोर्ट LIB को क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा अपनी फाइल में। फिर उसके बाद आपको जैसे डेटा को रीलोड करना है ना, जैसे कई कंपाइलर रीलोड नहीं करेंगे तो आपने फर्स्ट टाइम तो फंक्शन लिखा ही हुआ है। अब आप यहाँ पर गए, सपोज आपने कुछ चेंज किया, हेलो फ्रेंड्स, कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया। अब कई सारे पाइथन कंपाइलर ऐसे होंगे जिसको रीलोड नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे रीलोड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब रीलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे ये मैंने बता दिया रीलोड के लिए कौन सी फाइल यूज होती है, इम्पोर्ट लिंक। तो आप सभी जानते हो अगर मुझे किसी भी फंक्शन को यूज करना है जो किसी मॉडल के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे उस मॉडल का नेम लिखना होता है। तो मैंने उस मॉडल का नेम लिखा, देन डॉट से सेपरेट किया, और डॉट से सेपरेट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया रीलोड। ओके, अब रीलोड लिखने के बाद मुझे रीलोड ब्रैकेट्स के अंदर, रीलोड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है फाइल का नाम, ठीक है। अब खैर मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको कहीं आवश्यकता हो तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि वो बोलते हैं कि जो आपको कई जगह देखने मिल जाएगा जो रीलोड है उसके लिए कई लोगों ने इम्पोर्ट किए हुए IMP नाम, इम्पोर्ट किया हुआ IMP नाम का मॉडल। देखिए पहले IMP नाम के मॉडल के अंदर रीलोड फंक्शन था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है आपका इम्पोर्ट लिव नाम के मॉडल के अंदर। देखिए पहले रीलोड फंक्शन जो था वो IMP नाम के मॉडल के अंदर शिफ्ट था, अब इसके बाद लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है इम्पोर्ट लिव के लिव मॉडल के अंदर। तो अगर मान लीजिए आपका इम्पोर्ट लिव काम नहीं करता है तो आप फिर उस जगह पे IMP मॉडल को कॉल कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड करता है आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कंपाइलर अलग वर्क करते हैं, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके की चीजें बता रही हूँ कि अगर IMP काम नहीं करे तो आप इम्पोर्ट लिव को यूज करके देखिएगा, और इम्पोर्ट लिव काम नहीं करे तो आप IMP को यूज करके देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से कंपाइलर का यूज कर रहे हो। ओके, फिर इस बार का जरूर ध्यान रखिएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है मॉडल, फिर वही मॉडल आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा IMP काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा पाइथन कंपाइलर इम्पोर्ट लिव को ही सपोर्ट करता है। ओके, सो इस तरीके से यदि आप प्रोग्राम बनाएंगे रीलोड का तो आपका डाटा आसानी से रीलोड हो जाएगा। मैं बता देती हूँ रन करके आपको प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पे मेरा रीलोड के द्वारा रीलोड हो रहा है, लेकिन अगर मैं रीलोड का यूज नहीं कर रही थी तब भी मेरा ऑटोमेटिकली रीलोड हो रहा था प्रोग्राम, ठीक है, तो इसलिए मुझे रीलोड की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड पाइथन के मॉडल्स। अभी आपकी जो मैं टी बालाजी बुक को रिफर कर रही हूँ, टी बालाजी बुक को रिफर करते हुए मैंने अपने आपके कोर्स को कम कवर करवाया है, तो टी बालाजी बुक में आप यदि लास्ट पॉइंट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे ये कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स मिल जाएंगे। तो देखिए आपने जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं, आपने तो अभी शायद 2 या 3 ही मॉडल्स पढ़े, मैथ, कैलेंडर और टाइम, है ना, और मुझे याद नहीं आ रही थी कोई और मॉडल भी पढ़ा हो, तो आज पढ़ लिया आपने इम्पोर्ट लिव, ठीक है। तो इस तरीके के मॉडल्स इसमें कई सारे काम करते हैं, तो अब वो मॉडल्स आपके 200 से अधिक हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप किताब के पीछे जाके सभी मॉडलों को नाम और वो किस तरीके से क्या काम करते हैं ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें कोई ऐसा मॉडल जो हमने पढ़ लिया हो, देखिए यहाँ पे IMP नाम का मॉडल दिख गया, ठीक है, और इम्पोर्ट लिब नाम का भी मॉडल दिख गया, ठीक है,
और हमने कौन कौन से मॉडल्स पढ़ लिए, यहाँ पे देखिए मैथ नाम का मॉडल हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से कई, ये 200 से अधिक मॉडल्स होते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। ज्यादा डीप में इसको बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता भी आपको नहीं है ओ लेवल में, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछा जाता। जो जो मेन मॉडल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं अपने सिलेबस में, अपने वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। फिर भी आप इन मॉडल्स के ऊपर थोड़ी सी एक नजर डाल लेना। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा एक लेक्चर जो कि हमारे 8th चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।